हाय गाइस, दिस इज जियार। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब एयरफुल। गाइस, आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ एक और आज फ्री जॉब के साथ में। हमेशा की तरह ये जॉब भी आप लोगों को फ्री रहेगी। तो गाइस, उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना नहीं भूले। तो गाइस, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पिछले एक महीने से हम लोगों के पास किचन हेल्पर की रिक्वायरमेंट इतनी भर भर के आ रही है, मतलब क्या कहना, क्लाइंट की तरफ से इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम हम लोगों के पास में, कि हर एक लोकेशन में अभी हम लोगों के पास में आपको किचन हेल्पर की जॉब मिलेगी। तमिलनाडु के लिए मिलेगी, चेन्नई के लिए मिलेगी, कोयम्बतूर के लिए मिलेगी, बेंगलोर के लिए मिलेगी, बेलगांव के लिए मिलेगी, प्लस टुमकुर के लिए मिलेगी। बेंगलोर में भी तीन चार जगह में खाली मिलेगा। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में होटल स्टाफ की रिक्वायरमेंट हम लोगों को मान के चलिए 300 से 400 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट टाइम में। मैं एक एक जॉब अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा आज। सबकी सैलरी सेम होने वाली है, सिटी से सैलरी कितनी रहेगी, इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी, फैसिलिटी आपको उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा और टाइमिंग उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस, जो जॉब होने वाली है किचन हेल्पर की, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, किचन हेल्पर की, किचन स्टाफ की जॉब होने वाली। अब जो रहता है ना किचन हेल्पर और किचन स्टाफ, ये बात सुन के जो है ना काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है ना, मतलब उनके मन में ये डाउट आता है कि सर, किचन हेल्पर की मतलब हम लोगों को बर्तन धुलवाएंगे क्या वहाँ पे, मतलब प्लेट वगैरह उठाना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग जो है ना मन में ये मतलब डाउट रखते हैं कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, अपने गाँव से कहीं दूसरी जगह जाऊँगा, मुझे वहाँ जाके बर्तन धोना पड़ेगा। देखो, एक बात है कि काम चाहे कौन सा भी हो, छोटा या बड़ा काम, काम काम होता, काम में शर्म नहीं रखनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि आपके मन में जो डाउट है ना, बर्तन धोना, बर्तन उठाना, सामान उठाना, वो सब नहीं रहता है। एक्चुअल में आजकल काफ़ी होटलों में आपको जो है ना लेडीज़ देखने को मिलती है इन सब काम के लिए, साफ सफाई के लिए, बर्तन धोने के लिए, बर्तन उठाने के लिए, वहाँ पे आपको लेडीज़ मिलती है, वहाँ पे लेडीज़ लोग जो है वो सब काम को करती है। अब आपकी बारी आती है कि आपका काम क्या रहेगा वहाँ पे। अब किचन स्टाफ, किचन हेल्पर और किचन अंदर में काम करने वाले लड़के लोगों का एक्चुअल में काम क्या रहता है कि अलग अलग होटल में एक अलग अलग काम रहता है। किचन स्टाफ बोले तो कि जो कुक रहता है उसका हेल्प कराना रहता है। मान लो वहाँ पे सब्जी कटिंग का हो गया, इसके अलावा सब्जी कट करवाना, इसके अलावा बर्तन इधर उधर रखवाना, इसके अलावा एक कुक जो खड़ा रहता उसको क्या क्या ज़रूरत रहता, रिक्वायरमेंट रहता, वो ला के देना, तो वो अंदर का हेल्पर का काम है। इसके अलावा किचन स्टाफ का मतलब कि आपको एक काउंटर पे खड़ा कर दिया जाता है, खड़ा रहते हैं, कि जो बड़ा होटल है सेल्फ सर्विस रहता है वहाँ पे, वो लोग क्या रहे कि मान लो दो आदमी एक टेबल पे बैठे हैं, खा रहे हैं, उनके पास में कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ आइटम ख़त्म हो गया, वो लेने के लिए आते हैं, तो वो जो अंदर तो घुस नहीं सकते किचन में, बड़ा सा काउंटर लगा रहता है बाहर में ना, तो वहाँ ही आके जो है मांगेगा, पूछेगा, तो आपको वो चीज़ उसको देना रहता, तो ये हेल्पर का काम हो गया। तो वही सब काम रहता है, किचन हेल्पर, किचन स्टाफ, सब कहने का मतलब एक ही है। अंदर में थोड़ा काम चल पर अलग अलग मतलब डिफरेंस रहता है, किसी बंदे का कुछ काम रहता है, किसी बंदे का कुछ काम रहता। तो ये मन में से बात निकाल दीजिए कि मुझे वहाँ जाके बर्तन धोना रहेगा या फिर मुझे वहाँ जाके जो है बर्तन साफ करना रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बर्तन वगैरह आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, बर्तन वगैरह साफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हेल्पर और स्टाफ में जो है वही सब काम रहता है। तो अब बारी थी सैलरी की। एक्चुअल में सैलरी क्या रहती है कि सैलरी की बात करूँ तो मैं आज आपको सिटी से सैलरी बताता हूँ। काफ़ी जो है वीडियोस में देखता हूँ ना, काफ़ी सारे जो आप भी देखते हैं वीडियो जो काफ़ी सारे एजेंसी कंपनी का, जिसके झांसे में आप आ जाते हैं जल्दी, जो मतलब लालच देते हैं, जो सिटी से सैलरी इसमें होने वाली है आपकी 15,000 रुपया, 17,000 रुपया, 18,000 रुपया। 15,000 सिटी से सैलरी होने वाली है। रूम और खाने की फैसिलिटी आपको मिलेगी,
गौर से देख सुनिएगा जरा, ठीक है। 15,000 सैलरी और रूम और खाने की फैसिलिटी मिलेगी इस जॉब में। लोकेशन कौन सा रहेगा बता दूं आपको कि लोकेशन प्रेजेंट टाइम हम लोगों के पास मलेश्वरम, टुमकुर, टुमकुर में सिरा, बेलगांव, बेलगांव में गोकाक के पास में है। इसके अलावा बी टीम लेआउट, इसके अलावा आर टी नगर, इसके अलावा येलंका, ये बेंगलोर में। इसके अलावा कोयमतूर, कोयमतूर में स्विगी के रिलेटेड भी जॉब है लेकिन किचन स्टाफ की ही रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा तमिलनाडु, इन सब लोकेशन में अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास जॉब खाली है। जो जो बंदा कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा डायरेक्ट आ सकता है फोन करके। फोन आप कब करेंगे, मान लो आप कल निकलने वाले हैं तो आज फोन करके पूछ सकते हैं कि सर ये जॉब ने आपका वीडियो डाला था, मैंने वीडियो देखा था, ये जॉब अभी प्रेजेंट टाइम में खाली चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस जॉब के लिए मैं आना चाहता हूँ। वो बंदा कॉल करके इस जॉब के लिए आ सकता है। अगर मान लो 20 दिन 25 दिन या 30 दिन के बाद में कोई ये वीडियो देख रहा है, उस समय ये जॉब जो है अप्लाई करना चाहता तो उस समय वो जॉब नहीं रहती है। तो आप आने से पहले एक बार वापस कॉल कर लें, कंफर्म कर लें। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड और 5 फोटो। अभी कंपनी ने, मैंने पहले ही बताता है कि 2 महीने से हम लोगों ने एक जो पॉलिश वेरिफिकेशन रहता है वो तो 100% कंफर्म कर ही दिया है। आप चाहे कहीं के भी हो, नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, कंपनी की तरफ से एक पॉलिश वेरिफिकेशन पक्का रहता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है वो ही सिम अपने पास रखें जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक हो, क्योंकि वहाँ पर आपका OTP जाता है और आपका जो कॉल जो है पुलिस वाला आपके घर में फ़ोन करके पूछता है कि ये बंदा आपका है या फिर आप इसके माँ बाप हैं क्या, वो वेरीफाई करता है एड्रेस। तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके आए और पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 3 जरूरी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बंदा बोल दे कि सर मेरे पास बैंक पासबुक नहीं है, मैं जो है कैसे काम चलूँ, तो भी चलेगा। हम लोगों की कंपनी उसको अकाउंट भी ओपन करवा के देती जो फ्री रहता है, किसी ज्वाइनिंग मतलब कोई चार्ज नहीं लेता, खाता खुलवाने का कोई चार्ज नहीं लेते हम लोग। खाता भी आपका लोग हम लोग फ्री खोल के देते हैं विद ATM कार्ड के साथ में। इस कार्ड में अगर कोई बोले कि सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मैं पैन कार्ड अप्लाई जो है कर चुका हूँ, मेरे पास नंबर है, तो भी चलेगा। पैन कार्ड चाहिए तो आप बाद में सबमिट करवा सकते हैं लेकिन पैन कार्ड मैंडेटरी रहता है। अगर कोई बोलता है कि सर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो भी चलेगा लेकिन एक पहचान पत्र की ज़रूरी है आपका, या तो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर आधार कार्ड होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वैलिड होना चाहिए। टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग इसमें 8 घंटा होने वाला है। सुबह आपका 11 बजे होटल ओपन रहेगा, 11 बजे से लगाकर शाम के 7:30-8 बजे लास्ट क्लोजिंग रहेगा। मान लो कभी जो है 1 घंटा आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता था, उसका आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पेबल रहेगा कंपनी के द्वारा। लोकेशन मैंने आपको बता दिया, 4-5 लोकेशन में अभी प्रेजेंट टाइम में रिक्वायरमेंट है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। टाइमिंग मैंने बता दी आपको, सुबह 11 बजे से लगाकर शाम के 7:30-8 बजे लास्ट, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें जो रहेगा 18 से लगाकर जो है 25 साल लास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके ज़्यादा वाले मान लो अगर चाहे कि सर मैं भी होटल में जो करना चाहता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मोस्ट वेलकम, उसको भी जो है काम मिल सकता है, लेकिन उसको अलग कैटेगरी में काम मिलेगा और उसको अलग जगह में काम मिलेगा। हम लोग के पास कुक की भी जो है वैकेंसी आती रहती है, चलती रहती है। अगर कोई बंदा बोलता है कि सर मुझे होटल में इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं कुक हूँ, खाना बनाना आता है मुझे, नॉर्थ इंडियन फूड या साउथ इंडियन फूड आता मुझे, तो उसके लिए भी हम लोगों के पास वैकेंसी अवेलेबल है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के लिए हेल्पर की बहुत अच्छी जॉब चल रही है, जल्दी से अप्लाई करें। लिमिटेड पोस्ट रहती हैं, हमेशा की तरह हम लोगों के पास लिमिटेड ही पोस्ट रहती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। 150 से 200 लड़के लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो आप लोगों की मेहरबानी से बहुत ही जल्दी फुल हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी जल्दी फुल हो जाएगा, तो जल्दी से अप्लाई करें। हमेशा की तरह पहले आओ पहले पाओ वाला बात, और
कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होके आप अपना सिर्फ पॉकेट का खर्चा लेके आइए। काफी सारे कैंडिडेट्स एक्चुअल में फोन करते हैं तब यही पूछते हैं कि सर आप पैसा कितना लेते हैं। नहीं भाई नहीं, हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, लूट मार का काम यहाँ पे नहीं चलता है। जो ज्वाइनिंग फॉर्म और ज्वाइनिंग चार्ज वाले पैसा लेते हैं ना, वहाँ जो है यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं है। आपको फ्री में जॉब मिलता है, फ्री में जॉब दिलवाते हैं, फ्री में जॉब कैंडिडेट्स लेके ज्वाइन होता है। तो ये फ्री का जॉब है, आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं, लिमिटेड पोस्ट है आप लोगों के लिए। तो गाइस वीडियो को एंड तक बने के रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।